अच्छा, कुछ क्रोशिया के बारे में कोई टेक्निकली चीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, जॉब कैसे चेंज करते हैं, प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे ये है कि आप आइए पहले, एक कोई भी जॉब पकड़ के आ जाइए, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस है कि अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपका वर्क परमिट दूसरा बनेगा, TRC दूसरी बनेगी, तो ये पूरा प्रोसेस है। बट यहाँ पर ये है, सनीगंज में आने के बाद आप एक बार एंट्री कर लेते हो यहाँ पे, तो आप इजीली जॉब चेंज कर सकते हो। कर सकते हो, हाँ, कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं आया, हाँ, फूड डिलीवरी कंपनी में आया, कंस्ट्रक्शन में आया, किसी में, मुझे कंपनी नहीं जमा, या मुझे लग रहा है जो काम मुझे नहीं बोला था वो मिला, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है यहाँ पे कि मैं चेंज कर सकूँ गवर्नमेंट को बोल के? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लॉ नहीं है, आपको खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, जॉब ढूंढ लेंगे, लेकिन वो कंपनी नहीं छोड़े तो? कंपनी अगर नहीं छोड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं कि कंपनी को पहले तो आप बोलिए, हाँ। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है, हाँ, तो आप लास्ट एम्प्लॉयर को मत बताइए, क्योंकि अगर आप उसको बता देंगे तो आपकी सैलरी नहीं देगा, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल एक्शन, खुद से मतलब उनको अगर वो कैंसिल नहीं किए तो फिर कोई रास्ता नहीं है? नहीं, यहाँ पर ये भी है कि हम अपना खुद का भी वर्क परमिट कैंसिल करा सकते हैं, ये हर कोई बताता नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कराया तो मुझे पता है। अच्छा, क्या कैसे किया भाई आपने? मैंने क्या किया कि मैंने कंपनी को जब रिजाइन दिया तो 2 महीने हो गए, तो कंपनी हमारा वर्क परमिट कैंसिल नहीं किया, और दूसरा जहाँ पे मैं ज्वाइन किया उनका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक न्यू वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, जो इंश्योरेंस पेपर होता है उसको ले जाके एम्बेसी में गया, जहाँ पे TRC वगैरह बनती है, गवर्नमेंट ऑफिस में गया, अपना खुद का जाके मैंने TRC जमा करके वर्क परमिट कैंसिल कराया। विदिन 3 वीक मेरा वर्क परमिट कैंसिल हो गया और न्यू वर्क परमिट मिल गया। अच्छा, ये कोई बताया नहीं आज तक? किसी ने नहीं बताया, ना कोई एम्प्लॉयर बताता है, ना कोई नहीं बताता, मतलब लीगल तौर पर आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको रूल पता है तो आप खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि पद्मनाथ बहुत पुराने हो यहाँ पे और काफ़ी लोगों को जानते भी हो, फूड डिलीवरी वाले काफ़ी लोगों के दोस्त हैं आपके, तो ये फूड डिलीवरी का जो जॉब है वाकई में टफ है? मैं तो बोलूँगा यहाँ पे जो जॉब है सारा टफ तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन, मैं कई बार बोलता हूँ कि वीज़ा रिजेक्शन का कारण कई होता है, उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस होता है। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए मैं हमेशा पॉलिसी बाज़ार का रिफ़र करता हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाज़ार ऐसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो बहुत ईजी वे में ट्रेस हो जाती है, बहुत ईजी वे में आपको, आप उसको खाली डेट डालते हो, एज डालते हो, और आपके सामने प्लान खुल जाता है, जो कि 8 ब्रांड के साथ 25 टाइप के प्लान है, कोई भी प्लान को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप अपना डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हो, पे का ऑप्शन रहता है, विदिन 2 मिनट दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड का नंबर सही से डाल दें तो विदिन 2 मिनट आपके मेल पे आपको पॉलिसी मिल जाती है। क्योंकि कल मुझे एक बंदे ने बताया है कि मलिक भाई एक ऐसा बंदा जो 2300 यूरो भी फूड डिलीवरी में कमाया है, पॉसिबल है? नहीं, उस मेरे को अगर आप 12 घंटे 16 घंटे जॉब करोगे, सोगे नहीं, तो फिर मेरे को नहीं लगता है 1500 यूरो मैक्सिमम आप कमा सकते हो, अगर आप 16 घंटे 18 घंटे नौकरी करोगे तब जाके कमा सकते हो, इतना पॉसिबल। कौन सी इंडस्ट्री में पैसा अच्छा है? एक्चुअली यहाँ पे पैसा तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का यूरोप में बहुत हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। मैंने सुना है ऐसा चीज़ों के बारे में। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो आपको लगेगा डिलीवरी ज़्यादा ईजी है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इंडिया में काम करते हैं उनके लिए भी टफ हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, स्किल है आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन में, तो आपके लिए वो काम ईजी है, प्लम्बिंग, वेल्डर, वो स्किल है, लेकिन आप एज ए हेल्पर आ रहे हो कंस्ट्रक्शन में तो टफ, बहुत हार्ड वर्क है यहाँ पे, जैसा कि लोग बताते हैं कि नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोग बिल्कुल मत आए जिनको मतलब कोई स्किल नहीं है और कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, तो एज ए हेल्पर यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है। तो वॉकिंग, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में दे दिया है, काफ़ी अच्छा वीडियो बन गया हमारा, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन आपने दिया था मुझे लगता है किसी और ने अभी तक नहीं दिया है। मैंने वही इन्फॉर्मेशन दी है जो रियल है, जो मैं ऑलरेडी मैं सर्वाइव कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज समझ सकता हूँ, और लास्ट टाइम आपकी प्रॉब्लम को भी समझ सकता हूँ। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रदीप भाई ने दिया, और हमेशा ही चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों के मतलब बारे में बताए, नए टेक्निकल चीज़ के बारे में बताए, और बहुत जल्दी मैं आपको जागृत के बारे में गुड न्यूज़ दूंगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, शायद उसमें 1-2 महीने टाइम लग सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी काम करवाना हो, माल्टा हो, क्रोशिया हो, या कोई भी, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं +9199883584 के, या business@gmail.com मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरे मुंबई ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, दोस्तों मेरा नया जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो तब्रेज मलिक कंसल्टेंसी फेसबुक के साथ। थैंक यू वेरी मच।